है डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। मैथ्स के पास्ट बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 अपॉन 10,500 विल बी द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल एक्सपोनेंट। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपका आंसर का उसको प्रॉपर आपको रीजन भी देना। तो हम देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डिनोमिनेटर के पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे पास हमारे पास क्या है, 10,050 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 10,500 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल ए मेथड से यूज करना है, 10500 उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 10 का हाफ 5 होगा और 50 का हाफ 25 होगा और यहाँ पे 0। ओके, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 52 का हाफ कितना होगा, 26 और 50 का हाफ कितना होगा, 25। इसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप 3 से कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसके लिए देखो तो 2 + 6 कितना 8 प्लस 2 और 9 10, 10 + 5 15, तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 8 जा कितना होता है 24 होता है, 24 माइनस यहाँ पे 2 बचेगा और 2 2 22 हो रहा है, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते देखते हैं। तो 8 + 7 कितना होगा 15, 15 + 5 20, तो 3 से नहीं होगा तो 5 से करते हैं, तो 5 से करोगे तो क्या होगा, 5 यहाँ पे कितना होगा, 3 और 7 बचेगा तो 7 आएगा, 5 7 जा 35, तो 37 होता है, तो यहाँ पे बाद में 5 5 जा 25, बाद में इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 5 3 जा और यहाँ पे 35, फिर से 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 7। और यही नंबर का आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है बहुत सिंपल तरीके से, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 100 यानी कि क्या करने का, 2 × 2 और 5 × 5, 100 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 5 × 5। बाद में 105 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, 35 होगा, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 7 7। ओके, सिंपल तरीका था, यानी मैंने आपको जो लॉन्ग वेशन बताया क्योंकि आपको अंडरस्टैंड जरूरी है, समझना जरूरी, इसलिए क्या किया यहाँ पे, 100 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 और 5 × 5। बाद में 105 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 बचेगा, 35 का क्या होता है, 5 और 7। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अदर देन 3 और 2 और 5 अदर देन मिले तो हम क्या करते हैं, 987 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, किसके, 987 के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 987 डिवाइडेड बाय 3 से कर सकते हैं क्योंकि 8 + 7 = 15, 15 + 9 करोगे तो कितना होगा, 24 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, बाद में 3 2 जा 8 होगा, सॉरी 3 2 जा 6 यानी कि 27, 3 9 जा 27। ओके, अब यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो किससे करते हैं, 7 से करते हैं, तो 7 7 4 जा कितना होता है, 28, 7 4 जा 28 कितना बचेगा, 8 बचेगा रिमेंड, सॉरी 4 आएगा, तो 7 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49 और 49 खुद एक प्राइम नंबर है, सॉरी 47 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या प्राइम फैक्टर मिल रहा है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 987 इज इक्वल टू 3 × 7 × 47। ओके, दोनों को लिख देते हैं यहाँ पे, 987 upon 105 00 इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में क्या है, 3 × 7 × 47 और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 × 2 × 5 3 × 5 × 5 × 5 × 7। ओके, यहाँ पे 3 3 कट हो रहा है और 7 7 कट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में फाइनली क्या बचा,
आपके पास 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, सो द डेसिमल एक्सपांशन इज द टर्मिनेटिंग, कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। सो हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर इन टर्म, इन टर्म क्या है, इन टर्म, इन टर्म 2 एंड 5, सो 987 अपॉन 10500 इज टर्मिनेटिंग नंबर, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप इस तरह के जो बोर्ड की पास्ट के क्वेश्चन पेपर आपको जो पास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड के, 11th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।